नमस्कार, मैं मुकेश प्रत्यूष आप सभी का जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त मेरी कविताओं के लिए निकाला है। मैं आज अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। कुछ कविताएं व्यक्ति की पहचान हो जाती हैं, जिनसे अलग वह खुद को नहीं कर पाता। वैसे ही कुछ कविताएं मेरे साथ भी जुड़ गई हैं। उनमें एक कविता है हाशिया। हाशिया पृष्ठ के बाईं ओर एक जगह होती है जिसे छोड़ दिया जाता है। उस पर कुछ नहीं लिखा जाता सिवा आपातकालीन स्थिति के, जब वहां पर कुछ संकेत चिन्ह दे करके कुछ लिख दिया जाता है। उसे हम अंग्रेजी में मार्जिन कहते हैं, हिंदी में हाशिया कहते हैं। और इस तरह से वो मोड़ कर, जे कई बार अगर उस पर लाइन खींची हुई नहीं रहती है तो हम एक पेज को मोड़ देते हैं एक अंदाज से और ये तय कर लेते हैं कि यह हाशिए की जगह है। तो मैं सुनाता हूं कविता हाशिया। जैसे उठाने के पहले कौर निकालता है कोई अग्रासन, जैसे उठाने के पहले कौर निकालता है कोई अग्रासन, उतारने से पहले बिछावन से पैर करता है कोई धरती को प्रणाम, लेने से पहले गुरु का नाम या तोड़ने से पहले तुलसी का पत्ता पकड़ता है कोई कान, ठीक वैसे ही लिखने के पहले शब्द तय करता है कोई हाशिए के लिए जगह, ठीक वैसे ही लिखने के पहले शब्द तय करता है कोई हाशिए के लिए जगह, जैसे ताखे पर रखी होती है लाल कपड़े में बंधी कोई किताब, जैसे ताखे पर रखी होती है लाल कपड़े में बंधी कोई किताब, गांव की सिवान पर बसा होता है कोई टोला, ठीक वैसे ही पृष्ठ पर रहकर भी पृष्ठ पर नहीं होता है हाशिया, ठीक वैसे ही पृष्ठ पर रहकर भी पृष्ठ पर नहीं होता है हाशिया, मोड़कर या बिना मोड़े, मोड़कर या बिना मोड़े दृश्य अदृश्य तय की गई सीमा अलंग होती है हाशिए के लिए, तय की गई सीमा अलंग होती है हाशिए के लिए तट की तरह, तय की गई सीमा अलंग होती है हाशिए के लिए तट की तरह, पर हाशिया बना रहता है तट ही, वह कभी नहीं होता तटस्थ, हाशिया कभी नहीं होता तटस्थ, हाशिया है तो निश्चिंत रहता है कोई, जैसे हाशिया है तो निश्चिंत रहता है कोई, बदल जाए यदि किसी शब्द या विचार का चलन, छोड़ प्रगति की राह करनी पड़ जाए युग धर्मिता की वकालत, बदल तो हाशिया आ जाता है कहाँ, हाशिए पर बदले जा सकते हैं रोशनाई के रंग, हाशिए पर बदले जा सकते हैं रोशनाई के रंग, हाशिए पर बदले जा सकते हैं विचार, हाशिए पर किए जा सकते हैं सुधार, इस्तेमाल के लिए तो होता है हाशिया, इस्तेमाल के लिए तो होता है हाशिया, हाशिए पर बदले जा सकते हैं विचार, हाशिए पर किए जा सकते हैं सुधार, हाशिए बिना बदले पन्ना बदल जाता है सब कुछ, हाशिया है तो निश्चिंत रहता है कोई, जैसे बाढ़ में पानी के साथ आ जाता है बालू, जद्दोजहद में बचाने को प्राण, आ जाते हैं सांप कभी कभी तो मारते सड़ांध आदमियों के भी, और लोग छड़ जाते हैं छोड़कर घर बार, कर्तव्योत कर जुटाए गए सामान किसी निर्वासित सड़क पर या किसी निर्वासित किले, झलक जाती है ठीक वैसे ही झलक जाती है जब रक्ताभ आसमान के बदले गोधूली की धूंध, ठीक ऐसे ही झलक जाती है जब रक्ताभ आसमान के बदले गोधूली की धुंध, हसिया आ जाता है काम पर भूल जाते हैं कभी कभी छोड़ने वाले हाशिया, पर भूल जाते हैं कभी कभी छोड़ने वाले हाशिया, हाशिए पर ही दिए जाते हैं अंक परिणाम तय करता है हाशिया ही, हाशिए पर ही दिए जाते हैं अंक परिणाम तय करता है हाशिया। यह थी मेरी कविता हाशिया। दूसरी कविता सुनाता हूं पहाड़। पहाड़ चार टुकड़ों में बटी एक कविता है। पहला टुकड़ा सुनाता हूँ उसके, फिर बारी बारी से सारी टुकड़े सुनाऊंगा आपको पहाड़ का। पहाड़ खड़ा है दरवाजे पर, पहाड़ झांक रहा है खिड़की से, दरवाजे पर बालकनी में पसरा हुआ है पहाड़, पहाड़ मुझे घेर रहा, पहाड़ दरवाजे पर खड़ा है पहाड़, पहाड़ झांक रहा है खिड़की से, बालकनी में पसरा हुआ है पहाड़, पहाड़ मुझे घेर रहा है, मैं पहाड़ है तो पत्थर है, पत्थर है
तो अंदेशा है, लुढ़कते पत्थर आटके हैं मुंडेर पर, लुढ़कते पत्थर आटके हैं मुंडेर पर, मुंडेर दरक गई है, मुंडेर दरक गई है, मैं देख रहा हूं पहाड़, देख रहा हूं पत्थर जो आटकी है मुंडेर पर, और मुंडेर होती जा रही है चौड़ी, और मुंडेर और दरार होती जा रही है चौड़ी, कैद कर खुद को देख रहा हूं पहाड़, देख रहा हूं पत्थर, देख रहा हूं दरार, अंदेशा गहराता जा, अंदेशा गहराता जा रहा है, छोड़ नहीं सकता कतर भी उठकर जुटाए गए, जीने के सामान निकलने की सूरत बची नहीं कोई, सपनों पर पड़ गए हैं पत्थर, चोटी पर खिले हैं फूल, चोटी पर ऊंट आ तो गया है पहाड़ के नीचे पर पहुंच नहीं पाएगा फूल तक, चोटी पर खिले हैं फूल, पत्थर की पत्थर पर उग आई है काई, पत्थर पर उग आई है काई, दरारों से निकल आई है फिसलन, ऊंट आ तो गया है पहाड़ के नीचे पहुंच नहीं पाएगा फूल तक, किसी की पहुंच में नहीं है पहाड़, पत्थर किसी को पहाड़ तक पहुंचने नहीं देते, पत्थर किसी को पहाड़ तक पहुंचने नहीं देते। इसका दूसरा अंश, लंबी हुई छाया मिटने लगी है होकर धुंधली, लंबी हुई छाया मिटने लगी है होकर धुंधली, अंधेरा पसरने वाला है, वक्त हो रहा है अंधेरे के आराम का, वक्त हो रहा है अंधेरे के आराम का, सूरज समेट रहा है अपनी किरण, जब बचा नहीं तेज, बची नहीं छाया, बची नहीं गर्मी, तो होकर निस्तेज रहने से क्या फायदा, तो होकर निस्तेज रहने से क्या फायदा, मैं फंस गया हूं तलहटी में, मैं फंस गया हूं तलहटी में, फरवरी में चुन रहा हूं गीली में सूखी लकड़ियां, उठा रहा हूं घास फूस, लेकिन हाथ वह तो पत्थरों के पास है, जाना ही होगा मुझे पत्थरों के पास, लेकिन आग वह तो पत्थरों के पास है, जाना ही होगा मुझे पत्थरों के पास। तीसरा, धसक रहे हैं पहाड़, खिसक रहे हैं पहाड़, निर्माण चालू है पहाड़ का, धसक रहे हैं पहाड़, खिसक रहे हैं पहाड़, निर्माण चालू है पहाड़ पर, चिंतित हैं लोग पहाड़ को लेकर, क्या होगा जब नहीं रहेंगे पहाड़, क्या होगा जब नहीं रहेंगे पहाड़, न बांधने को मिलेंगी नदियां, न तोड़ने के लिए लाठियां, न बांधने के लिए मिलेंगी नदियां, न फेंकने के लिए पत्थर, हिल जाएंगी प्रजातंत्र की चूल्हे, जब रहेंगे नहीं पहाड़ तो उगेंगे नहीं जंगल, जब रहेंगे नहीं पहाड़ तो उगेंगे नहीं जंगल, लाठी लाठी का वजूद है पेड़ से, और जब जंगल ही नहीं होंगे तो कहाँ उगेंगे पेड़, जब जंगल ही नहीं होंगे तो कहाँ उगेंगे पेड़, हिल जाएंगी प्रजातंत्र की झूले, प्रतिरोध का स्वर है पहाड़ आवाज देकर देखो, प्रतिरोध का स्वर है पहाड़ आवाज देकर देखो, प्रतिध्वनियों अनुगूंजों से भर जाएगा परिवेश, प्रतिध्वनियों अनुगूंजों से भर जाएगा परिवेश, पहाड़ किसी को अकेला नहीं होने देता, पहाड़ किसी को अकेला नहीं होने देता। और इसका अंतिम मैं सुनाता हूं, पहाड़ को बचाने निकले थे कुछ लोग, पहाड़ को बचाने निकले थे कुछ लोग, लेकर कंधे पर पहाड़ टांगे पहाड़ की लालटेन, उतरते ही बढ़ गई तपिस, उतरते ही बढ़ गई तपिस, मिला नहीं पा रहे थे पांव, मिला नहीं रहे थे कदम ताल, मिल नहीं पा रहे थे कदम ताल, शहर की गतिविधियों से न्यून लाइट की दुनिया में फालतू थे लालटेन, उठाकर रख दिया वही, न्यून लाइट की दुनिया में फालतू थे लालटेन, उठाकर रख दिया वही कहीं, फिर उतार दिया कंबल और उसी के पास रख दिया पहाड़, फिर उतार कर रख दिया कंबल और उसी के पास पहाड़, पहाड़ तब से जुट रहा है बात कि लौट कर आएंगे कब, पहाड़ तब से जुट रहा है बात लौट कर आएंगे कब, लेकिन वो लौट नहीं रहे कभी, उस कवि की तरह जो करता था कभी जनता के सवालों की बात, जो करता था कभी जनता के सवालों की बात,
करता था कभी, जो करता था कभी जनता के सवालों की बात, टांगे हाथ में पुराने कपड़े के फटे जूते, रेंगता है अब वह, रेंगता है अब वह पंजों के बल, रेंगता है अब वह पंजों के बल, परेशान नहीं होता लेकर पुराने प्रश्न, परेशान नहीं होता लेकर पुराने प्रश्न, फालतू बना लेती है सत्ता किसी को फेंक कर कुछ टुकड़े, पालतू बना लेती है सत्ता किसी को फेंक कर कुछ टुकड़े, पहाड़ की छाती पर चल रही है मशीन, पहाड़ की छाती पर चल रही है पसीने, मैं रह गया हूँ पहाड़ के साथ, ताकता हूँ तो दुख होता है हवास गुम पहाड़ को देखकर, ताकता हूँ तो दुख होता है हवास गुम पहाड़ को देखकर, प्रिय हो गया है पहाड़ मुझे, प्रिय हो गया है पहाड़ मुझे, एक जैसे हैं हम दोनों के दुख लेकर, एक जैसे हैं हम दोनों के दुख लेकर पहाड़ पड़े, निकलना ही होगा मुझे लेकर पहाड़ पड़े, पत्थर पड़े पहाड़ का संदेश, निकलना ही होगा मुझे लेकर पत्थर पड़े पहाड़ का संदेश। यह थी मेरी दूसरी कविता। एक तीसरी कविता और सुनाता हूँ जो मेरी लगभग पहचान से बनी हुई है, अम्मा के लिए। मेरी माँ का निधन मेरी छोटी उम्र में ही हो गया था। उस निधन के बाद मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, उनमें से एक या दो आपको सुनाता हूं। टिमटिमा रहे हैं ना जो आकाश में, टिमटिमा रहे हैं ना जो आकाश में आंखें हैं पूर्वजों, टिमटिमा रहे हैं ना जो आकाश में आंखें हैं पूर्वजों की, जब नहीं होता है सूरज तब जाग कर सारी रात देखती है कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, तब जाग कर सारी रात देखते हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, ठीक ऐसे ही देखा करूंगी मैं भी कभी, ठीक ऐसे ही देखा करूंगी मैं भी कभी तुम्हें, और छलछला जाते थे हम, यही बात बताई मैंने ठठा उठे बच्चे, यही बात बताई मैंने ठठा उठे बच्चे, दादी आपको मूर्ख बनाती थी पापा, दादी आपको मूर्ख बनाती थी पापा, आंखें नहीं ग्रह हैं तारे, आंखें नहीं ग्रह हैं तारे, कैसे कहूँ बात ज्ञान की नहीं आस्था की थी, कैसे कहूँ बात ज्ञान की नहीं आस्था की थी। और इसी का दूसरा अंश सुनाता हूँ, टेकअप से लेकर लैंडिंग तक खपतुल हवास रहता हूँ अक्सर बताते हैं सहयात्री, टेकअप से लेकर लैंडिंग तक खपतुल हवास रहता हूँ अक्सर बताते हैं सहयात्री, बच्चे दिखते रहे कब तक दर्शक दीर्घा में, एयर होस्टेस ने की कितनी देर प्रतीक्षा कुछ पता नहीं, बस खिड़की से मुंह सटाए अक्षितिज तलाशता रहता हूँ, बस खिड़की से मुंह सटाए अक्षितिज तलाशता रहता हूँ किसी को, इन्हीं बादलों को दिखाकर बचपन में कहा था माँ ने, ज्यादा दूर नहीं बस जाना होता है इन्हीं के पास, इन्हीं बादलों को दिखाकर कहा था बचपन में, कहा था माँ ने, ज्यादा दूर नहीं बस जाना होता है इन्हीं के पार, खाली न हो जाए स्वर्ग लोक इस डर से दी नहीं जाती है इजाजत माँ को वापस आने की, इस डर से दी नहीं जाती है इजाजत माँ को वापस आने की, क्या कहूँ किसी को लाख समझाऊं खुद को, मानने को जी नहीं करता कि झूठ कहा था माँ ने, मानने को जी नहीं करता कि झूठ कहा था माँ। तो ये थी मेरी तीन प्रतिनिधि कविताएं। मैं एक और कविता का पाठ करूंगा, एक कविता सुनाता हूँ, सेवक इसका शीर्षक है। सेवक दोस्तों, प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में आम जनता शासक होती है, तो यहाँ जब भी मैं शासक का इस्तेमाल करूंगा यह आम जनता के लिए होगा, जिसे लोग समझते हैं कि वह शासक सिर्फ वोट देने भर है, कतारबद्ध हो जाओ शासकों करबद्ध भी रहना, कतारबद्ध हो जाओ शासकों करबद्ध भी रहना, मूंद झुका लो नजरें किसी भी हाल में उठाना नहीं सिर, एड़िया रखो चटकाने की मुद्रा में, एड़िया रखो चटकाने की मुद्रा में, पंजे रहें तैयार रेंगने के लिए, आ रहे हैं तुम्हारे सेवक, आ रहे हैं तुम्हारे सेवक, करना नहीं कोई सवाल पूछे तो कहना ठीक है सब, हो गई है आमदनी दुगनी तिगनी, जब से आए हैं आप
बह रही है दूध की नदी, जब से आए हैं आप बह रही है दूध की नदी, उसी में डुबो कर खाजा खा लेता हूँ और सो जाता हूँ रात में भर कर और सो जाता हूँ रात में। ये एक लंबी कविता थी जिसका कुछ अंश मैंने आपको सुना है। ये इस कविता में शासक हैं हमारे, जो आम जनता है वह शासक है और जो सेवक हैं वो हमारे, जो जिन्हें हम सेवक कहते हैं वो मूलतः हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं या हमारे राज्य के या हमारे शहर के प्रतिनिधि होते हैं। इन्हीं पर ये लंबी कविता लिखी गई है। मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको ये पूरी कविता। आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और जनसरोकार के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत नमस्कार।